अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ अमाद। आज का दिन बहुत एक्साइटेड होने वाला है, आई एम वेरी हैप्पी। आज हम जा रहे हैं सी लाइफ एक्वेरियम में, इट्स अ बिग एक्वेरियम, सो आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। बेसिकली बहुत बड़ा एक्वेरियम है, आप बेसिकली वॉक करते हैं और ऊपर से क्रोकोडाइल होंगे, शार्क्स होंगी और मुख्तलिफ किस्म के फिशेज होंगे। सो आई वॉन्टेड टू शो विद यू गाइस, बेसिकली आप उसके अंदर ही वॉक कर रहे होते हैं एक्वेरियम, और बहुत बड़ा एक्वेरियम है और उसके अंदर फिश हैं, शार्क्स हैं, क्रोकोडाइल्स भी हैं और लेट्स सी। और मैंने आई थॉट कि मैं आप लोगों को दिखाऊं और इट विल बी अ गुड एडवेंचर बोथ ऑफ अस, मैं और आप दोनों इकट्ठे। चलो, सो आर यू गाइस एक्साइटेड, सो लेट्स गो। चले जी, हम अपना स्टार्ट करते हैं जर्नी। तो बिल्कुल जब आप मॉल के अंदर एंटर होते हैं तो राइट साइड पे वो आपको बहुत बड़ा एक्वेरियम है और उसके अंदर ये तमाम फिश वगैरह जो साइड पे आपको नज़र आ रही होंगी पिक्चर्स वगैरह में वो थी, और इट्स वेरी नाइस। और जब आप जैसे एंटर होते हो इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड, आप बहुत ज़्यादा आपको ना डिफरेंट लगता है, लुक्स लाइक कि आप एक किसी और दुनिया में आ गए हो। तो ये देखें जी, एंटर हुए हैं तो साथ ही अब ये देखें कितने बड़े बड़े एक्वेरियम लग गए हैं। ये मेरे ख्याल में एक बलूगा मछली है जो सामने नज़र आ रही है, इट्स अ बिग बलूगा फिश। और देखें कितनी क्यूट अलामिया की, कितनी प्यारी कुदरत है, इट्स वेरी नाइस। और ये देखें माशाल्लाह, और ये जो है जी सिंपल से वॉर्म वगैरह हैं, ये सैंड फिश है, इसको ये कहते हैं येलो जॉ फिश। ये जो है नीचे जाएगी और फिर उसके बाद वो देखें रेत फिर बाहर फेंकती है, देखें ये अंदर गई है और फिर अब निकलेगी और फिर सारी जो डस्ट है वो देखें वो बाहर फेंकती है और डिक करती है। तो ये अल्लाह मियाँ की कुदरत है, ये देखें डिफरेंट। ये एक और फिश है और वो जो है वो एक ईल है, जो शार्क की वो कहते हैं कि स्मॉलेस्ट स्पीशीज ऑफ शार्क है। वो इस टाइम वो हाइड हुई भी है, दोबारा से मैं इसको लेके आता हूँ दूसरे एंगल से, यू कैन सी। और वो दूसरी एक ब्लू फिश है अल्लाह मियाँ की, बहुत ये देखने के कितनी प्यारी प्यारी फिशेस वहाँ पे मौजूद हैं, डिफरेंट किस्म की फिश है, वो ऐसे ही लगता है कि जैसे आप समुंदर के अंदर ही मौजूद है। ये जी ईल जो है वो रेस्ट कर रही है और अभी इसको मैं हम बड़े ये देखें देखें किस तरह। ये जी लॉबस्टर पूरे यानी कि एक्वेरियम में मुझे एक ही लॉबस्टर नज़र आया था थ्रू आउट। तो ये देखें बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई हैं एक्वेरियम की, तो फिश आ रही हैं और मुख्तलिफ किस्म की। और देखें, यू आर इन द मिडल ऑफ एवरी थिंग, आप इर्द गिर्द देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि यार फिश ही फिश है, फिश ही बेसिकली। आप समुंदर के अंदर खड़े हैं तो आपको वो नज़र आता है कि आप फिश को देख रहे हैं। सो बहुत अच्छा, और वो म्यूज़िक भी लगा होता है साथ साथ, वो आपको बता रहे होते हैं कौन सी फिश और कहाँ पे है। सो इट्स अ वेरी, अब ये जो है देखें एक और बड़ा एक्वेरियम है, बहुत देखें मुख्तलिफ किस्म की फिश, ये ऐसे ही लगता है कि जैसे हम समुंदर के अंदर ही आ गए हैं और मुख्तलिफ किस्म की फिशेस और नज़र आ रही, बहुत ही खूबसूरत है और लुक्स वेरी यू नो कलरफुल। मुख्तलिफ किस्म की फिश है इसमें, जो है शार्क भी होंगी, अभी शार्क भी आती है, ब्लू स्पूक भी है, ग्लिटर फिश भी है, गिटार फिश भी है, सो डिफरेंट काइंड ऑफ फिश। वो देखें जी, वो देखें कितनी बड़ी फिश आ रही है ऊपर से, इट्स अ बिग आई थिंक इट्स अ शार्क आई गेस, हाँ वो शार्क ही लग रही है, ब्लू शार्क है। वो देखें वो फिन है उसके, और वो कितना प्यारा, और ऐसा लग रहा है कि यानी कि यू आर जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ दम, कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत लग रही है, अल्लाह सुबहान अल्लाह। ये ऐसी चीज़ें देखें ना तो अल्लाह मियाँ की कुदरत याद आती है कि यार ये तो दिस लुक्स अमेजिंग ब्यूटीफुल, यार बहुत खूबसूरत है। और देखें कितनी बड़ी बड़ी फिश है, एक और फिश आ रही है, वो भी मेरे ख्याल में शार्क ही है, वो देखें सेम नस्ल की, सो इट्स ब्यूटीफुल, इट्स अमेजिंग है, अल्लाह मियाँ की कुदरत है। ये देखें दोनों आपस में, ओह माय गॉडनेस, टकराने लगी और ये उस साइड पे हो गई, ओके नाइस यार, लुक्स ब्यूटीफुल, ये देखें कितना प्यारे लग रहे हैं, और पीछे से देखें पीछे कितना प्यारी लगनी है, फिशेज वगैरह खूबसूरत ऐसे लग रहे हैं जैसे आप समुंदर के अंदर ही हैं, बड़े बड़े ज़बरदस्त यानी कि माहौल सा बना हुआ बहुत, और मेरा तो दिल कर रहा था कि बस इसी को ऐसे ही देखता ही रहूँ, और वेरी यानी कि बहुत ज़बरदस्त लग रहा था अल्लाह मियाँ का कुदरत। और फर्स्ट टाइम यानी कि नेवर बीन टू अस यू नो का सी, और ये बेसिकली क्लोजेस्ट टू सी। ये देखें जी हॉर्स, सी हॉर्स है, छोटे से सी हॉर्स है नज़र आ रही है। ये एक और एक्वेरियम में, ये बेसिकली शार्क नर्सिंग टैंक है, और इसमें मुख्तलिफ किस्म की शार्क्स को ब्रीड किया जाता है, कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी हैं,
अब ये देखें ये एक किस्म की और डिफरेंट किस्म की फिश है। इसको ये देखें मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, मुख्तलिफ किस्म की ये फिश है, फ्लैट फिश है। और ये देखें देखें वो अल्लाह मियाँ की कुदरती बसेरा है, ये देखें ये ब्लू स्पॉटेड फिश है। और देखें कितनी प्यारी लग रही है, ब्लू कलर के ब्लू कलर्स लग रहे हैं। और ये भी एक शार्क है फिश, किसी और नस्ल की है। तो यहाँ पे आपको वो मुख्तलिफ डिटेल आती रहती हैं, लेकिन वो आप जब तो फिश को कैमरे के साथ देखते हैं तो उतनी आगे चली जाती हैं, तो इतनी ज़्यादा यानी कि डिटेल। अब ये देखें ये जी ए ब्लू का फिश जो शुरू में मैंने आपको दिखाई थी, एक और ब्लू का फिश है। और कितनी बड़ी फिश है ये तो, ओह माई गुडनेस, बहुत ही बड़ी फिश है, अल्लाह सुबहान अल्लाह, कितनी बड़ी ज़बरदस्त है यार। और ऐसे ही लगता है कि आप बिल्कुल उनके पैरेलल खड़े हैं। तो ये एक और व्यू आपको दिखा रहा हूँ, मुख्तलिफ यानी कि एक्वेरियम बने हुए हैं और आप हर एक्वेरियम के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और वो आपको नज़र आती हैं फिश। ये तो वही ब्लू का फिश ही है जो मैंने देखी थी, और उसके अलावा वो देखें वो मुख्तलिफ फिशेज हैं उसके पीछे। ये जी एक और एक्वेरियम है, यहाँ पर ज़्यादातर स्टार फिश हैं और स्टार फिश ज़्यादातर हैं मुख्तलिफ किस्म की। और वो ये देखें पिंक कलर का ऑक्टोपस सा है देखें, और ये जी डिफरेंट किस्म की एक और फिश आ गई है, क्या बात है, पिंक कलर की डिफरेंट फिश है। और ये स्मॉल फिशेस हैं टैंक के अंदर, ब्लू है, लाइट ब्लू है, क्या ज़बरदस्त है। वही देखें बबल्स वगैरह बन रहे हैं, इन्होंने मेरे ख्याल में वही बोतल में से पानी निकाल रहे हैं, इट्स अ गुड थिंग। और वो छोटी सी क्रिस्टल्स वगैरह भी बने हुए थे राइट साइड। ये जी टर्टल, सी टर्टल, वन ऑफ द बिगेस्ट टर्टल था एक्वेरियम के अंदर, देखें रेस्ट कर रहा है और ऊपर टेबल के ऊपर बैठा हुआ रेस्ट कर रहा है। मैं नीचे से आपको दिखाता हूँ जूम करके, ये देखें ये टर्टल है बेसिकली रेस्टिंग, और वो देखें ऊपर उसके ऊपर बैठा हुआ है आराम से रेस्ट कर रहा है। ये जी मेरा फेवरेट पार्ट है शार्क का बेसिकली। देखें अब ऊपर बेसिकली आप नीचे मूव करेंगे और ऊपर से अब आपके शार्क्स वगैरह बड़ाई यानी कि कितनी बड़ी फिशेज हैं यार, ये देखें कितनी बड़ी फिश है, अल्लाह देखें भाई ज़बरदस्त ज़बरदस्त कितनी बड़ी फिश है। या ये देखें एक और स्पेसिमन है फिश का, क्या बात है यार, कितनी खूबसूरत लग रही है। और बेसिकली आप नीचे हैं, ये देखें वो आप टनल के नीचे से और ऊपर से फिश वगैरह गुजर रही हैं, वो शार्क भी है अब वो दूसरी फिश है। और बड़ा अच्छा सिस्टम किया हुआ, नीचे से बेसिकली वो बेल्ट से चल रही है और आप पानी के नीचे से गुजर रहे हैं टनल में से, और आपको वो नज़र आ रही है, देखें आप आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं और ये ऊपर से फिश है, एक और फिश गुजरी, क्या बात है यार ज़बरदस्त, ये एक और फिश है, क्या बात है, ये जी क्या बात है यार, मुख्तलिफ किस्म की फिशेज हैं। और आप ऐसे ही लगता है कि आप बस समुंदर में ही घूम रहे हैं और फिश वगैरह आपके इर्द गिर्द हैं। और ज़बरदस्त इन्होंने बहुत ज़बरदस्त इन्होंने अच्छी तरीके से इसको मैनेज किया हुआ है, और बहुत यानी कि दिस इज़ द क्लोजेस्ट यू कैन इंटरेक्ट विदाउट यानी कि आप भीगते नहीं हैं, अकेले नहीं होते और आप फिश को अच्छी तरह उनके ही माहौल में और उनके, ये देखें टर्टल, टर्टल का व्यू देखें, अब देखें ये भी मुझे बड़ा प्यारा सा पार्ट लगा, ये देखें ये ज़्यादातर जेली फिश है रेड कलर की और बड़ी खूबसूरत है। ये देखें जी एक और व्यू, वो देखो तेरी खैर शार्क, वो देखो देखो ऊपर से गुजर के गई, क्या बात है सुभान अल्लाह, क्या बात है यार ज़बरदस्त है, मैं चाहता हूँ इट्स टोटली वर्थ इट, तकरीबन $15 to $20 लगे हैं, तो इट्स टोटली वर्थ इट। अगर कभी आप लोगों को मौका मिले तो ज़रूर जाएँ बच्चों को लेके। और ये देखें एक और व्यू है वो जेलीफिश का रेड कलर का, बड़ा ज़बरदस्त है। और यहाँ पे देखिए जेलीफिश का एक और है, फिर यहाँ से हम फिर आहिस्ता आहिस्ता टूर जो है वो ख़त्म हो जाता है, फिर बाहर लोग जो है वो निकलना शुरू कर देते हैं, तो पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं। और ये रेड रूम इसको कहते हैं, और एक्वेरियम का तो लुक्स नाइस ब्यूटीफुल। और व्लॉग लंबा हो रहा था तो मैंने सोचा कि आपको जो मॉल है वो दोबारा से एक और वीडियो में दिखाऊंगा, तो इस वजह से मैंने फिर उसको रैप अप किया। तो उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर एक और अच्छे व्लॉग में होगी मुलाकात। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।